बोलिए सतगुरु भगवान की, बोलिए कर्णपुरी जी महाराज की। आज की सभा के अध्यक्ष जी मंचा सिंह विराजमान, संत महात्मा गण, जिज्ञासु सज्जनों, मात्र शक्ति आपके सबके पावन चरणों में कोटम कोट बंदगी साहे, बंदगी साहे। समय का अभाव है, मैं शीघ्र ही एक भजन आपकी सेवा में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कोई त्रुटि हो तो सुधार करवा दें कृपा करके। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा, यहाँ की सत्संग के लिए मैं साल भर से ये बाट उड़ीक तो रहूँगा भाई, सत्संग आप बाड़ी है, वहाँ बाड़ी आप बाड़ी आप बाड़ी है। क्यों, यहाँ जितने संत महात्मा, यहाँ का जो प्रेम जो है ना, मेरे को निमंत्रण आज का कई जगह का और का भी आता है, लेकिन आपका जो प्रेम में एक ऐसा खिंचाव है जैसे चुंबक की तरह, ये प्रेम है आपका जो उधर खींच लाता मेरे को। एक जो बनिया सेठ जी जो था, उसके साथ लड़के थे और वो धर्म कर्म में बहुत पैसा खर्च करता था परमार्थी कार्य में, लेकिन बेटे उसके जो थे वो कोई एक भी लाइन में नहीं था मतलब। और वो सेठ जी जो है भगवान को मानता था और बहुत जो है परमार्थी कार्य में पैसा खर्च करता था। एक समय रात्रि को 1-1.5 बजे के बीच में वो नींद में जब था तो उसको एकदम से जो घर में एक उजाला सा महसूस हुआ, उसने देखा कि ये उजाड़ो क्या नहीं है, तो देखे तो भी मैं जो लक्ष्मी जी बैठे आयोड़ा जी। लक्ष्मी जी सेठ जी ने कह के, और भाई सेठ जी मारो वो आज अंतिम दिन है तारा घर उठो जाबा को, मैं 100 साल के वास्ते तारा ही परिवार में आयोड़ी हूँ, लेकिन अब मारो जाबा को नंबर आगे मैं अटो जाऊला, क्योंकि था तू मारो जो उपयोग जो करे हो पैसा को वो बहुत ही भला काम में करे हो, तो तू मारे से कुछ मांग ले जो थारी इच्छा है, जो मांग ले मैं तेने देवन तैयार हूं, कोई भी एक चीज मांग ले। सेठ जी देखियो कभी न कहीं मांगू, मैं कुछ समझ में नहीं आ रही है, तो वो हाथ जोड़ निवेदन करो, हे लक्ष्मी माता मैंने एक दिन को समय और दे दे, सिर्फ एक दिन, सिर्फ और सिर्फ एक दिन को और दे दे, मैं काल जो है ताने बता दे। लक्ष्मी जी क्यों नहीं, मारे का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, मारे बस मैं जाऊं, मैं आज लास्ट है। वो जानते हैं हाथ जोड़ खूब पगा पड़ विनती करी, तो बिना लक्ष्मी जी क्यों जा था ना, एक दिन दे दियो, काल है जो तुम्हारे बता दीजिए, एक चीज मांग लीजिए कोई भी। तो वो अपना बेटा बेटी से परिवार से सलाह करी कि अपना ना लक्ष्मी जी मारा सब आयो दिए दृष्टाव दियो, मैंने दर्शाव दिए रात ने, और क्यों के भाई तू मांग ले एक चीज, तू बहुत मारे सही उपयोग करियो पैसा को, जो मैं थारे पर प्रसन्न हो गयी जो थारो एक चीज मांग ले, अब जाबाड़ी हूँ के मैं। तो वो पूछे तो कोई बेटो तो कहे आप हीरा पन्ना मांग लियो, कोई कहे अपना जमीन मांग लियो, कोई कहे जान नारा सामान है, सब अपना अपना बतायो। वो देखियो रे अब खुन की बात समझ में नहीं आ रही है। खैर वो देखे अच्छी बात ठीक है भाई, मैं मारा हिसाब मांग लियो। रात ने दूसरे दिन लक्ष्मी जी भी का पाचो दर्शाव दियो भी ने के बोल भाई सेठ जी मांग थारा कई इच्छा है थारी, क्योंकि अब मारो अंतिम दिन है आखिरी दिन है, तो बाकी हो वो कियो के देखो मैंने कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने एक ही चीज यही मारा जो साथ बेटा है ये सब परिवार जो हिलमिल कर प्रेम से रहना चाहिए, मैंने और कहीं नहीं चाहे पैसे धन दौलत कुछ भी नहीं चाहे, और जब तक ये है संसार में तब तक सब हिलमिल कर रहे। लक्ष्मी जी की सेठ बहुत चालाक आदमी है, क्यों किसने जो है 100 दिन का और मेरे यहाँ रहने के लिए जो है 100 वर्षों का और मारा जो रस्तो बना दियो, क्यों लक्ष्मी जा नहीं सके, सब हिलमिल से प्रेम सरेवा को मतलब हो गया लक्ष्मी बेटा टिके जित जार को इस सगड़ा में प्रेम है, इसलिए प्रेम संसार में प्रेम बड़ा है, प्रेम ने बाड़ी उपजे प्रेम ने हाट बिकाए, कोई बाड़ी में पैदा नहीं हुए और बाजार में बोल नहीं मिले, प्रेम होना चाहिए संसार में। सदगुरु कबीर ने कहा 2.5 आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई, पोती पट पट जिगुमाया पंडित भयानक होई, और 2.5 आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। बोलिए भगत और भगवान की। ओ हो
मोल। क्या बात है। शीतल शब्द कबीर का हरिहंसा करे जी किलोल। समय का अभाव, अधिक समय न लेकर के सूक्ष्म एक भजन आपके सामने। जाओ जाओ पूर्ति करो सर। आज्ञा था की जी श्रीनामाय, आज्ञा था की जी मारी साई करो गुरुदेव, ये शरण में आज्ञा था की जी। I don't know.
श्री राम जी।